नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड मैं प्रशांत धवन तो फाइनली क्वाड का इन पर्सन समिट हो ही गया ये जो आपके सामने इमेजेस है ना ये हिस्टोरिक इमेजेस हैं इन वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा लाने के लिए इन पर्सन चौदह साल का इंतजार लगा चौदह साल की प्लानिंग थी तब जाकर ये क्वाड समिट आपके सामने ये हो पाया है और पीएम मोदी ने स्पेसिफिकली जब ट्वीट करी ये वाली फोटो इन्होंने यहां पर यह कहा है द क्वाड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड दुनिया में अच्छाई के लिए अपने आप में एक फोर्स है द क्वाड और यहां पर आप देख पाओगे इस तरीके से क्वाड लीडर्स की जो मीटिंग है ये हुई है पीएम मोदी के पीछे आप देख पाएंगे इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल भी यहां पर हैं क्वाड से पहले पीएम मोदी का एक बैलेटर भी हुआ है विद जो बाइडेन इस पर एक अलग से वीडियो मैं बाद में, में लेके आऊंगा मगर क्वाड की अगर हम बात करें तो ये डायलॉग सबसे पहले शुरू किया गया था दो में बाय शिंजो आबे और उस वक्त के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट डिक ची दोनों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस और जापान को एक हटाना चाहिए और ये सब देश मिलकर बनाएंगे डेमोक्रेसी का आर्क ये इस तरीके से जो है एक डेमोक्रेटिक आर्क जो है कंट्रीज की ये बनाने की बात की गई मगर उसके बाद क्वाड ने जो अपने 10 साल है तरक्की के ये ऑल टुगेदर खो दिए ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी गलती थी उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की ओबामा ने क्वाड का जो पोटेंशियल है ये नहीं, नहीं समझा और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वेट करना पड़ा 2017 तक तब जाकर क्वाड को वापस रिवाइव किया गया कंट्रीज वापस इकट्ठा आई और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्वाड की जो मीटिंग्स हैं ये बढ़ती जा रही है पहले क्वाड कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मीटिंग हुई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है उसके बाद आपने देखा कि मार्च दो में पहली बार एक क्वाड समिट हुआ और कोविड 19 चल रहा है पेंडेमिक का समय है तो इसलिए ये समिट इन पर्सन नहीं हो पाया इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समिट हुआ फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आज के समय सितंबर 2021 में एक प्रॉपर इन पर्सन क्वाड का समिट हुआ है ये मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक मोवमेंट है फॉर ऑल दीज कंट्रीज नाउ इस बार के समिट में कौन कौन सी नई बातें डिस्कस करी गई हैं सब कुछ जानेंगे इन डिटेल मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आज के समय तलिस्मान सेबर ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है आपको ये बताना है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है ये है यहां पे आपकी ऑप्शन यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया फ्रांस यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए कॉमेंट सेक्शन में करो आंसर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में यहां पर मैं आपको यह बता वैसे क्वाड की जो, जो इंपॉर्टेंस है।, है, है इसकी वजह से जो क्वाड की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली कम हुई है मगर मैं फिर भी यह कहूंगा क्वाड की इंपॉर्टेंस अपनी जगह बनी हुई है क्योंकि जो बड़े मैक्रोलेवल डिसीजन है इन्वेस्टमेंट को लेकर लोन को लेकर वो इन द फ्यूचर क्वाड में ही होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ऑकस के रिस्पॉन्स में फ्रांस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बना दे इन द फ्यूचर तो ये सब चीजें अपनी जगह होती रहेंगी मगर क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है इन मैक्रो लेवल ग्रैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अगर देखें तो बिल्कुल अपनी जगह बनी रहेगी नाउ अगर आप मेरे वर्ड्स पे पर अटेंशन दे रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा यहां पर मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं इन्वेस्टमेंट्स और लोन तो बिल्कुल क्वाड ने फाइनली यहाँ पर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके रिस्पांस में अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव स्टेप है यहाँ पर देखोगे जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है इसका कटआउट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक नया क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इसका नाम होगा द क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप इस ग्रुप के अंडर क्या होगा कि मान लीजिए कोई देश है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है एयरपोर्ट बनाना है उनको अपना कोई बंदरगाह बनाना है उनको कोई ब्रिज बनाना है तो जरूरी नहीं है कि चाइना के पास ही जाना है चाइना ही उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर लोन प्रोवाइड करेगा अब जो क्वाड कंट्रीज है ये रेगुलर बेसिस पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मीटिंग करवाएगी ये लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे रीजन में ये सब देश है इनको फंड्स की आवश्यकता है इनको इन्वेस्टमेंट्स की नीड है तो फिर जो ये क्वाड कंट्रीज हैं इकट्ठा आएंगी और उस कंट्री को ये लोग पैसा प्रोवाइड करेंगे और हो सकता है कि सीधा क्वाड कंट्रीज की जो यहां पर कंपनीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज फॉर एग्जांपल इंडिया में एलएनटी है उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हैं ये जाकर

श्रीलंका को आप सिर्फ अगर लोन पकड़ा दो ना तो वहां पे एक तो इंटरनल करप्शन है तो पैसा आपस के जो पॉलिटिशियंस है वही खा जाएंगे उसके अलावा उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है ही नहीं कि अगर उनको कल को कोई ब्रिज बनाना है एयरपोर्ट बनाना है ये सब प्रोजेक्ट्स वो कैसे कंप्लीट करेंगे उसकी टेक्निकल नो हाव ही नहीं है उनके पास उनको पता नहीं है कि ये सब करें कैसे तो यहां पर भी जो क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप है ये हेल्प करेगा ऐसे देशों की तो कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि श्रीलंका जैसे चाइना के डेट ट्रैप में फंसने वाले देश जो हैं इनकी संख्या दुनिया में काफी हद तक कम की जाए मगर मैं यहां पर यह बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप पूरी दुनिया में काम करेगा यह बनाया जा रहा है सिर्फ इंडो पैसिफिक के लिए यहां पर आप देखोगे मीटिंग द सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इन द इंडो पैसिफिक तो ये जो यहाँ पर रीजन है ना इसके आसपास जो भी देश है यहां पर कल को कोई भी डिमांड आती है फाइनेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो वहां पर चाइना को टक्कर देने के लिए बना दिया गया है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप और चाइना यह बात समझता है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रॉपर काउंटर बना दिया गया है इस समिट में इसलिए चाइना ने रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश करवाया और यहाँ पे उन्होंने ये लिख दिया कि क्वाड जो मैकेनिज़्म है ये धीरे धीरे एक गैंग में कन्वर्ट हो रहा है ये इन्होंने यहाँ पर कहा है कि क्वाड मैकेनिज्म इन टू सिनिस्टर सिनिस्टर होता है कि जो बहुत ज्यादा ईवल खराब चीजें करना चाहता है एक ईवल गैंग सा बन रहा है इंडो पसिफिक में अब ये जो आर्टिकल है ना ये छपा था ट्वेंटी को और फिर पीएम मोदी ने यहाँ पर चाइना को जवाब देते हुए ये कह दिया क्वाड ये क्या है इट इज ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड चाहे एशिया ठीक है, 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 no है तो छोटे देश जो है इंडो पैसिफिक में उनको देंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने असिस्टेंस यहाँ पर दे सकते हैं देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि क्वाड का बेंचमार्क पिछले छह साल में रहा है कि इंडो पैसिफिक में जो वेरियस कंट्रीज हैं उनको 48 बिलियन डॉलर्स प्रोवाइड कर चुकी है क्वाड कंट्रीज ऑफिशियल फाइनेंस के रूप में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन तो पिछले छह साल में अगर 50 बिलियन के आसपास हम दे चुके हैं तो आप मान के चल लीजिए आने वाले पांच छह साल में भी एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि एटलीस्ट 60 टू 70 बिलियन डॉलर्स के जो लोन है सॉफ्ट लोन के जरिए लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए ये क्वाड कंट्रीज प्रोवाइड करेंगी वेरियस छोटी कंट्रीज को इन द इंडो पैसिफिक रीजन नाउ इसके बाद हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी पर देखो क्वाड में हर लीडर बार बार यह बोलता है कि डिफेंस संगठन नहीं है हम मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर यह बात बार बार रिपीट की जाती है मगर फिर भी यहां पर डिफेंस से रिलेटेड एक एंगल ऐड कर दिया गया है यह है साइबर सिक्योरिटी आपको पता होगा रिसेंटली चाइना से बहुत सारे साइबर अटैक्स किए गए यूएसए पर जापान पे ऑस्ट्रेलिया पे और इवन हमारे प्यारे भारत पर तो उसके रिस्पांस में यहां पर साइबर सिक्योरिटी पर क्वाड कंट्रीज ने काम करना स्टार्ट कर दिया है अब इनिशियली तो यहां पर हम बेबी स्टेप्स ही लेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि हमने लॉन्च कर दिया है क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप देखो साइबर सिक्योरिटी में मिलके काम करना अपने आप में चैलेंज होता है क्योंकि साइबर अटैक्स को रोकने के लिए हर कंट्री का अलग प्लान होता है हर कंट्री के अलग यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है तो पहला तो इनका काम ये होगा एक दो साल में कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें साइबर अटैक किसको हम कहेंगे साइबर अटैक का रिस्पांस क्या होना चाहिए एक आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसा ना हो कि जापान की पॉलिसी कुछ और है साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया की कुछ और है तो पहले यहां पर कोशिश ये की जाएगी कि सारी कंट्रीज में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो जाए साइबर सिक्योरिटी को लेकर और ही बात है यहाँ पर इन दी एंड गोल यही है कि चाइना के जो साइबर अटैक्स हैं क्वाड कंट्रीज पर यह इन द फ्यूचर ना के बराबर हो जाएं। फिर हम आते हैं यहाँ पर स्पेस पर यहां पे लिखा है कि क्वाड कंट्रीज दुनिया के साइंटिफिक लीडर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया को आप अगर छोड़ दो तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है इंडिया जापान और यूएसए तीनों कंट्रीज का एक प्रॉपर सक्सेसफुल स्पेस मिशन है जापान बहुत से इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट कर चुका है इंडिया आप अगर देखो तो पहला एशियन कंट्री था जिसने मार्स पर भेजा था ऑर्बिटर यूएस का नासा क्या कर रहा है स्पेस क्या कर रहा है उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है तो अब स्पेस की फील्ड में भी क्वाड अपना जो कॉपरेशन है ये स्टार्ट करेंगे मगर अगेन आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो ये ग्रुप है ये अपने आप में बहुत बड़ा हाथी है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा मगर जब आगे बढ़ेगा इसका इम्पैक्ट चाइना प्रॉपरली फील करेगा क्योंकि याद रखिएगा चाइना का जो ड्रैगन है देखने में ड्रावना लगता है मगर इन रियलिटी ड्रैगन जैसी कोई चीज नहीं होती ड्रैगन बस चाइना के राइटर्स की एक कल्पना है जबकि हाथी रियल है हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ता है मगर जब एक बार आगे बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया फील करेगी और यहां पर भी यही होगा इनिशियली देखो यहाँ पे बात की जा रही है कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए टू बी प्रोसाइज जो सैटेलाइट डेटा है ये आपस में शेयर करेंगी तो सैटेलाइट डेटा शेयरिंग यहां पर अब स्टार्ट हो चुकी है देखो भारत और यूएसए में डिफेंस लेवल पर सैटेलाइट डेटा तो ऑलरेडी हम शेयर कर रहे हैं बैका एग्रीमेंट के अंडर तो क्वाड में आप कह सकते हैं धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया जा रहा है उसका पहला स्टेप यहां पर लिया गया है इन द फ्यूचर आप देखोगे कि स्पेस में कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वाड कंट्रीज खुद की सेट ऑफ सैटेलाइट्स भी लॉन्च करें और स्पेस में इन द फ्यूचर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करें इट कैन वेरी मच हैपन फिर यहाँ पे हम बात करते हैं क्वाड स्कॉलरशिप की पीपल टू पीपल एक्सचेंज एजुकेशन यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वाड कंट्रीज ओपनली कहती है कि हमारा फोकस है स्टेम पर किस पर स्टेम स्टेम का मतलब क्या होता है देखो जब हम बात करते हैं स्टेम की तो हम यहां पर बात कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इनका जो एक्रोनिम है ये बनता है स्टेम फील्ड तो क्वाड कंट्रीज ने यहां पर लॉन्च कर दी है क्वाड फेलोशिप ये अपने आप में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जहां पर जो क्वाड कंट्रीज हैं वहां पे हर साल 25-25 जो स्टूडेंट्स हैं ये चूज किए जाएंगे और 100 स्टूडेंट्स का बनेगा एक ग्रुप ये जो सौ स्टूडेंट्स हैं ये फिर जाएंगे यूएसए में और यूएसए में जो यहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज हैं यहां पर ये लोग पढ़ाई करेंगे और इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करेंगे स्टेम फील्ड साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स और शुरुआत में आपको सुनने में लग रहा हो सौ स्टूडेंट्स बस तो देखिए अगेन ये बस एक शुरुआत है इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है इसको हंड्रेड 100 से थाउजेंड स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं मगर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब इंडियन यूनिवर्सिटीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो ये शब्द है ना क्वाड ये ऑल टुगेदर पहुंच जाएगा कि क्वाड हेलोशिप नाम की भी एक चीज होती है ये एक तरीके से आप कह लीजिए जो आम जनता है चारों कंट्रीज की वहां पर क्वाड की प्रॉपरली ब्रांडिंग की जा रही है जो हमारी यूनिवर्सिटीज के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि ये चार देश प्रॉपरली घटा चुके हैं क्वाड फेलोशिप इज ए ग्रेट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ इसके बाद यहां पर बात करी गई है ग्रीन शिपिंग नेटवर्क के बारे में बहुत ही कम शब्दों में यह समझ लो यहां पर कि जो बाइडन चाहते हैं कि इन द फ्यूचर क्वाड कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करती हैं शिप से कार्गो से जब ट्रेड होता है ना तो पॉल्यूशन ना के बराबर हो इसके लिए जो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट्स हैं यूएसए इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया में इन पर काम किया जाएगा और एश्योर किया जाएगा कि यहां से कार्बन एमिशन पैदा ना हो तो जो पोर्ट्स यहाँ पर चूज किए गए हैं वो है अमेरिका का लॉस एंजल्स पोर्ट इंडिया का मुंबई ट्रस्ट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया का सिडनी पोर्ट और जापान का योकोहामा पोर्ट मेन फोकस यहाँ पे ये किया जाएगा कि शिप्स जो बंकर फ्यूल इस्तेमाल करती है ना देखो

तीस तक फिर यहां पर बात आती है कोविड नाइनटीन की वैक्सीन की इसके बारे में यहां पर ये लोग कहते हैं कि एज क्वाड कंट्रीज वी हैव प्लेस टू डोनेट मोर देन 1.2 बिलियन वैक्सीन डोजेज ग्लोबली 1.2 बिलियन मतलब के 120 करोड़ वैक्सीन ये ग्लोबली डोनेट करने की बात कर रहे हैं और इनके हिसाब से ऑलरेडी 79 मिलियन जो वैक्सीन हैं ये डोनेट कर चुकी हैं नाउ क्वाड यहाँ पर कितना काम कर चुका है कितना काम बचा है इसके लिए इन्होंने एक डैशबोर्ड भी यहां पर लॉन्च किया है यहां पर आप देख पाओगे ये डैशबोर्ड है क्वाड कोविड इंडो पैसिफिक रीजन ये अलग से वेबसाइट है यहां पर आप देख पाओगे 79 नाइन मिलियन वैक्सीन डिलीवर्ड करीब आप कह सकते हैं नौ सौ मिलियन डॉलर्स का जो सपोर्ट है ये हम प्रोवाइड कर चुके हैं किन किन कंट्रीज की हेल्प करी है अगेन फोकस होगा सिर्फ इंडो पैसिफिक पर मंगोलिया की हम हेल्प कर चुके हैं उसके अलावा हम यहाँ पे हेल्प कर चुके हैं बांग्लादेश की इंडोनेशिया की हेल्प कर चुके हैं फिर कई और यहाँ पे छोटे देश हैं फिलीपींस हैं कैम्बोडिया है, है वियतनाम है ये सब कंट्रीज बेनिफिट ऑलरेडी कर चुके हैं क्वाड के कोविड 19 वैक्सीन इनिशिएटिव से तो ये डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा तरीका है इस बात को मेजर करने का कि क्वाड का जमीन पर इम्पैक्ट कितना हुआ है सो so, फाइनली पर वापस आते हैं क्वेश्चन पे एक्सरसाइज सेवर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन कंट्रीज के बीच में होती है तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये है यहां पर सही उत्तर इंडियन परस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए इंप्� है क्योंकि ये मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही बड़े स्केल पर करते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हजारों सोल्जर्स यहां पर आते हैं और ये लोग चाहते हैं कि 2023 तक भारत भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर ले यहां पे आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है Recently, का है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इंडिया भी बन जाए परमानेंट मेंबर ऑफ द तलिस्मान सेबर एक्सरसाइज और इसमें मोस्ट प्रॉब्लली आपको दिखेगा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया ये युद्ध अभ्यास इन द फ्यूचर हम ज्वाइन करेंगे और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अन से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फॉर योर स्टडीज सिंपली जाओ कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा ये पेज अगर आप मोबाइल पर हैं तो पहले एन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना फिर लिंक पर क्लिक करना और यहाँ पर आप खरीद सकते हैं ये वेरियस कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स फॉर यू पी एस सी तो यू पी एस सी पर यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं प्लस या आइकोनिक कोर्स आइकोनिक कोर्स की खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो एनश्योर करेगा कि पूरे साल या फिर दो साल जितना भी आपका टेन्योर है इस कोर्स का वहाँ पे आप प्रोपरली इस कोर्स को फॉलो करें ढीले ना पड़ जाए एक दो महीने के बाद तो जो पर्सनल कोच है इसके साथ आइकॉनिक कोर्स अवेलेबल है मगर जो प्राइसेज यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है यूज़ करिए यहाँ पर प्रोमो कोड पीरीड टेन और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे सो यूज द कोड पीरियड टेन एंड सेव मनी सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल